Let's start your Monday on a positive note. Like the video. सही है। ये हुई ना बात। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग फाइन। आई नो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया लास्ट लॉग अपलोड किए हुए, पर क्या करूँ यार, ये जो सेकंड सेमेस्टर है ना, काफ़ी बिजी जा रहा है, काफ़ी सारे असाइनमेंट और काफ़ी बहुत सोचना पड़ता है थीसिस प्रोजेक्ट के बारे में, और वो सब करते करते बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ऑलमोस्ट हर रोज़ मेरा 9 to 6:30 कॉलेज रहता है, फिर घर आते आते ऑलमोस्ट 7:30 हो जाता है, फिर अपना डिनर बनाओ, फिर बाकी थोड़ा बहुत होमवर्क होगा तो वो कंप्लीट करो, तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत टाइम कम पड़ जाता है। बट कोई बात नहीं, आज संडे है और मैंने सोचा कि आज थोड़ा बहुत टाइम निकालता हूँ और एक अच्छा सा कुछ नया वाला व्लॉग बनाता हूँ। मतलब थोड़ा बहुत बाहर घूमने वाला व्लॉग तो आपने देख लिया वाशिंगटन में, तो आज एक आपको एक नई चीज़ के बारे में बताता हूँ। बट उससे पहले आज हमारे घर पे आया है एक स्पेशल गेस्ट, नन अदर देन साइली जोशी। ये मैडम जो है इधर आ ना, तो ये मैडम जो है वो हमेशा मुझे इधर ट्रेन स्टेशन में मिलती है या फिर बस स्टॉप पे मिलती है, जब भी हम लोग कोई भी छोटे मोटे जर्नी पे जाने वाले होते हैं। मैंने उसे कहा कि आज अपन जो वीडियो बनाने वाले उसके लिए पहले तो घर पे आ, अपन अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं वो चीज़ का थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब वो चीज़ क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो है ये फूजी फिल्म का इंस्टेक्स SQ6 कैमरा, टेलर स्विफ्ट एडिशन। और हमने टेलर स्विफ्ट एडिशन ही स्पेशली क्यों लिया उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले मेरे मॉम ने तेरे लिए घर से गुड़ पौड़ी और तिल के लड्डू भेजे हैं, होममेड स्पेशल। क्या बात है। मुझे एक्चुअली ये तिल वाले जो लड्डू होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि घर पे मेरी दादी बनाती थी मेरे लिए और मतलब बचपन से ही खाते आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थैंक यू सो मच साइलीज मॉम फॉर सेंडिंग मी। ये तेरी मम्मी को बोला, तुझे नहीं बोला? ये देखो खुद क्रेडिट ले रही है सबका। अरे मेरे मॉम के थ्रू बोल रही हूँ मैं। काकू आप कमेंट कर देना, ये क्रेडिट सब खुद खा जाती है। वेल एनीवेज थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल राइट, सो टेलर स्विफ्ट एडिशन ही क्यों? वेल, साइली को काफ़ी टाइम से एक पोलराइड कैमरा लेना था और उसने मुझे पूछा कि कौन सा लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ा बहुत अपना रिसर्च किया BNH पे और फिर मुझे ये वाला जो है टेलर स्विफ्ट एडिशन इंस्टेक्स SQ6 वो मुझे पड़ा था $50 में, और जो इसका जो रेगुलर वर्जन है वो अराउंड मिल रहा था $70 में, तो इस पर $20 का डिस्काउंट था। शायद पता नहीं यहाँ पर ज़्यादा लोग लेते नहीं है या फिर मतलब आई रियली डोंट नो रीज़न क्या है उसके पीछे, पर ये सस्ता मिल रहा था। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में जो ये कैमरा है वो अराउंड 12,000 का मिलता है टेलर स्विफ्ट एडिशन, और जो रेगुलर वाला है तो वो 7,100 का है। और दोनों कैमरा में बेसिकली ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, थोड़े बहुत गुडीज़ में फ़र्क है जो आपको डब्बे के साथ मिलता है। तो ये जो हम लोग को कैमरा मिला इसके साथ बेसिकली आपको ये ऐसा टेलर स्विफ्ट का डिज़ाइन वाला ऐसा कैमरा मिलता है, उसके साथ आपको ये स्पेशल टेलर स्विफ्ट वाला बैंड मिलता है जो शायद आपको रेगुलर कैमरा के साथ नहीं मिलता, और इसके पीछे वाले साइड पर ये ऐसा टेलर स्विफ्ट मैडम का थोड़ा ऑटोग्राफ वगैरह है, तो मतलब इफ़ यू आर अ फैन तो दैट विल मेक सेंस टू यू। मुझे सस्ता पड़ा इसलिए मैंने ले लिया, मतलब कोई फ़ैन वैन वाला चक्कर तो है नहीं। और ये जो डब्बा है वो कुछ ऐसा दिखता है, इसका डब्बा नॉर्मल डब्बों से अलग है, और इसके साथ अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स यू गेट दिस, एक वही ऑटोग्राफ वाला एक डब्बा छोटा सा, तो आप आपके जो फोटोज़ है पोलराइड वाले वो स्टोर कर सकते हो इसमें। और इसमें और जो छोटा वाला इंस्टेक्स कैमरा है वो उसमें फ़र्क ये है कि इसका जो फिल्म है वो स्क्वायर साइज्ड है और वो वाले कैमरे का इतना छोटा सा क्रेडिट कार्ड साइज आता है जो इससे सस्ता वाला वर्जन मिलता है। तो मुझे पर्सनली ये स्क्वायर साइज फोटो बहुत अच्छे लगे थे, बिकॉज थोड़ा बड़ा होता है वो क्रेडिट कार्ड साइज छोटे से स्ट्रिप से, तो जब आप देखते हो उस फोटो को या फिर आप दीवार पर लटका दो तो प्रॉपर ऐसा पोलराइड फोटो जैसा लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस डिब्बे में आपको क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। डिब्बे में आपको ये 3 कलर्ड जेल्स मिलते हैं फॉर द फ्लैश, तो ये जेल जो है आप अपने फ्लैश पर लगा सकते हो, और समझो आप अभी घर पे हो आपको थोड़ा पार्टी स्टाइल फोटो लेना है तो आप ये वाला जेल इस पर लगा दो और फिर फ्लैश यूज़ करके फोटो लो, तो फिर वो कलर फ्लैश आएगा और फिर आपको थोड़ा बहुत ऐसा पार्टी वाला, जैसे यू नो पार्टी वगैरह में होता है जो डिस्को लाइट्स, तो वैसा वाला इफेक्ट मिलेगा। और इस कैमरा की मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी, इसमें अलग अलग शूटिंग मोड्स है, जैसे कि एक तो ऑटो हो गया जो मतलब मोस्टली सब लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद एक सेल्फी मोड भी है, बिकॉज ये जो कैमरा है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा मिरर दिया हुआ है, तो ये मिरर में आप अपने आप को देख सकते हो जो आप सेल्फी खींचना चाहते हो, और फिर अपने आप को बराबर से फ्रेम करके आप सेल्फी खींच सकते हो, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड फीचर। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें एक मैक्रो मोड है, अगर आपको फ्लावर्स वगैरह के फोटो खींचने हैं तो, देन देयर इज अ लैंडस्केप मोड, देयर इज ऑल्सो अ मल्टीपल एक्सपोजर मोड, मतलब अगर आपको एक ही फिल्म पे दो फोटोज लेने हैं तो आप मल्टीपल एक्सपोजर भी ले सकते हो। अगर आपको लाइट या डार्क फोटोज लेना है, तो मतलब अगर आपको दिख रहा है कि शायद बाहर बहुत ज़्यादा ब्राइट है आपको
थोड़ा बहुत डार्क करना है सीन, तो आप डार्कन मोड यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क है और अगर आपको थोड़ा बहुत लाइटन करना है तो आप लाइटन वाला सीन यूज़ कर सकते हो। और इसका जो कार्ट्रिज है वो कुछ ऐसे दिखता है यहाँ पे। माइंड यू, इसका जो कार्ट्रिज है वो आपको बॉक्स के साथ नहीं मिलता, आपको अलग से लेना पड़ता है, और वो कुछ ऐसे दिखता है। और यहाँ पे इसका जो प्राइस है दैट इज़ अराउंड $10 फॉर 10 फोटोग्राफ्स, मतलब ऑलमोस्ट समझो 700 रुपीज़ फॉर 10 फोटोग्राफ्स, विच इज़ अ लॉट। तो मतलब इट इज़ अ एक्सपेंसिव हॉबी आई वुड से, पर मतलब फॉर अ शॉक कभी कभी कभार ट्राई करने के लिए अच्छा है। एंड साइली के लिए तो सही है, मतलब साइली के पास आ गया तो मैं तो ऑब्वियसली यूज़ कर ही लूँगा, तो मेरे प्रोजेक्ट वोजेक्ट में घुसा दूंगा, तो सही है। तो हम लोग ने भी ऐसा डिसाइड किया है कि घर पे बैठ के आपको इसके फीचर्स दिखाने में कोई मज़ा नहीं है, तो हम लोग अभी ज़रा बाहर जाते हैं, मुझे मेरा कॉलेज असाइनमेंट वगैरह भी करना है तो थोड़ा बाहर जाके वो सब चालू करते हैं। और मैं इतना मोटा हो नहीं गया हूँ एक्चुअली, मैं वो वाइड एंगल में एकदम साइड में चला गया हूँ, इसलिए थोड़ा मोटा लग रहा है, अगर यहाँ पे चले जाओ तो थोड़ा पतला लगूँ। एनीवेज, तो अभी सीधा आपको बाहर जाके मिलता हूँ एक अच्छी सी लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग शूट चालू करने वाले हैं, तो चले। ऑलराइट, सो अभी हम लोग आए हैं अमेरिकन वेटरन्स मेमोरियल पियर में। अगर आपको याद हो कुछ महीने पहले हम सब दोस्त यहाँ पे आए थे थोड़ा ऐसा बैठने के लिए, थोड़ा पिकनिक करने के लिए, तब वार्म होता था, तो अगर समर है तो यहाँ पे आके पिकनिक वगैरह करने में काफ़ी मज़ा आता है। पर अभी ठंडी है, ऑलमोस्ट 3 या 4 डिग्री है, और यहाँ पे हवा भी आती रहती है करके यहाँ पे लोग काफ़ी कम दिखेंगे आपको, फिर भी आप यहाँ पे आके फिशिंग वगैरह कर सकते हो, फिशिंग चालू रहता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे मेरा असाइनमेंट के लिए थोड़ी बहुत फोटोज़ लेने वाला हूँ, और तब तक मैंने सोचा कि अभी असाइनमेंट कर ही रहा हूँ तो आपको इस इंस्टैक्स SQ6 टेलरशिप ट्रेडिशन कैमरा के बारे में दिखा दूँ। वैसे बता देता हूँ कोई पेड़ प्रमोशन है नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ, सोचा कि मैंने सैली ने अपने लिए लिया था तो थोड़ा बहुत आपको भी दिखा देता हूँ। तो अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ इसका लैंडस्केप मोड, तो मैं सैली को यहाँ पे खड़ा करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से पीछे मैनहट्टन का पूरा स्काईलाइन दिखता है। आई नो आपको इस कैमरा में नहीं दिखेगा क्योंकि ये वाइड एंगल है, पहले मैं इसको अभी ऑन करूँगा यहाँ से, तो ये अभी ऑन हो गया, फिर यहाँ पे जाके मैं मोड सेलेक्ट करूँगा इस वाले पे। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मेरे नाखून काफ़ी बड़े क्योंकि मुझे एक हफ्ते से मेरा नील कटर नहीं मिल रहा है। और ये मैंने अभी सेट किया इसको लैंडस्केप मोड पे, और मैं बस नो फ्लैश का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा बिकॉज मुझे अपने फ़ोटोज़ में कभी भी ऑन कैमरा फ्लैश यूज़ करना पसंद नहीं है। पर अपन आगे जाके इस पे जो फ्लैश है वो टेस्ट करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग कलर फ्लैश की भी ऑप्शन आते हैं, मतलब कलर जेल्स दी है इंस्टैक्स वालों ने, तो मैं इस पर डाल के घर पर एक ऐसा अच्छा सा कलर वाला फ़ोटो आपको लेके दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि आप वो कलर जेल्स कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आपको दिखता नहीं कि एग्जैक्टली फोटो कैसे आएगा, तो हम लोग इसे अभी डब्बे में रखेंगे जो आपको दिखाया था, इसके साथ मिला है टेलर स्विफ्ट मैडम का स्पेशल डब्बा, तो इसमें रखेंगे और फिर थोड़ी देर बाद वो अच्छे से तैयार हो जाएगा फोटो। और ऐसे एक अच्छे से टाइम लैप्स लेने के बाद हम लोग निकले बेरिज बेकरी जाने के लिए। साइली का जो बर्थडे केक था मैंने वहीं से लाया था, बेरिज बेकरी से। इट इज़ अ वेरी गुड बेकरी एंड द मोस्ट पॉपुलर बेकरी ऑफ बेरिज ऐसा माना जाता है। और मुझे वहाँ पे जाके मेरे असाइनमेंट के लिए कुछ फोटोज़ लेने हैं, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे एक छोटा सा कपकेक लेता हूँ और फिर वो कपकेक का मैक्रो मोड से फोटो खींचता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे आता है। सो लेट्स गो टू द बेकरी नाउ, बाय द कपकेक एंड देन शूट इट। Alright, हम लोग फाइनली पहुंच गए बेरिज बेकरी, तो जरा अंदर जाते हैं, थोड़ा बहुत पेस्ट्री वेस्ट्री कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखने वाला चीज़ होता है तो वो खरीदते हैं, क्योंकि अभी मुझे फिलहाल खाने से ज़्यादा फोटो लेने में इंटरेस्ट है, तो जरा दिखते हैं अंदर जाके क्या क्या मिलता है। मुझे खाने में इंटरेस्ट है, मुझे खाने में इंटरेस्ट है। और जो साइली हैज चोजन हर फेवरेट केक दैट इज अ चॉकलेट चीज़ केक, मे वी हैव ट्राइड इट हियर बिफोर एंड इट टेस्ट रियली गुड। सो अभी मैं इसका फोटो लूँगा इंस्टैक्स कैमरा से और आई ट्राई आउट द मैक्रो मोड। अभी इंडोर्स फ्लैश यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग थोड़ा कम है, ये भी आपको घर पे जाकर दिखा था कि एग्जैक्टली ये फोटो दिखता कैसे। और जो केक का फोटो तो ले लिया है अभी, और क्या देखना है हमको इस कैमरा में।
मैक्रो देख लिया, लैंडस्केप देख लिया, लैंडस्केप अच्छा है, मैंने अभी बस फोटो चेक किया। आई गेस अभी बस मल्टीपल एक्सपोजर बाकी है और जो फ्लैश जेल अपने को देखना है वो बाकी है तो भी, और लाइट एंड डार्क मोड। हाँ वो लाइट एंड डार्क मोड जो मैं आपको घर पर जाकर दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली वो होता क्या है और मतलब उसमें आप दो फोटो कैसे ले सकते हो, फिर आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा बेटर लगे। तो बस अभी यहाँ से घर पर चलते हैं, घर पर जाके थोड़ा बहुत फोटो एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर आपको मैं बाद में दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली सारे फोटोज दिख रहे कैसे। एंड वी आर बैक होम, तो काफ़ी मज़ा आया बाहर शूट करके और जो फोटोज़ है वो अभी प्रॉपरली कलर हो गए तो आपको दिखा सकता हूँ। तो साइली का जो फर्स्ट फोटो लिया था वो कुछ ऐसे दिख रहा है, इसमें स्काईलाइन तो आपको इतना अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ब्राइट था उस टाइम पे, और साइली पे फोकस करूँगा तो फिर वो स्काईलाइन उतना अच्छे से नहीं आएगा। और ये जो मैक्रो फोटो है वो ठीक है, मतलब डिसेंट है, मेरा शायद थोड़ा बहुत फ्रेमिंग में गलती हो गया तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस विच आई फील इज डिसेंट, मतलब इट्स नॉट टेरिबल। और मेरा भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम है यूज़ करना तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्जैक्टली जो कलर जेल यूज़ करते हैं वो उससे कैसे अपन फोटो ले सकते हैं और फिर उससे जो अलग इफेक्ट आता है वो कैसे आता है। फोटो आ गया है तो अभी इसको थोड़ा डेवलप होने देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली दिखता कैसे। तब तक मैं थोड़ा जाके एक मल्टीपल एक्सपोजर ले लेता हूँ। मल्टीपल एक्सपोजर में कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं होता, आपको बेसिकली बस इतना ही रहता है कि आप मल्टीपल एक्सपोजर वाले मोड में डाल दो, यू शूट वन फोटो, फिर वो शूट करने के बाद आप उसी जो पेपर है वो पेपर बाहर नहीं आएगा, आप कहीं बाहर जाके कोई और फ्रेम ले लो और फिर वो फ्रेम आपने ले लिया फिर वो बाहर आएगा और फिर दोनों फोटोज़ को अपने आप मर्ज कर देगा। तो मैं वो वाला ट्राई करता हूँ और फिर वापस आके आपको दिखाता हूँ। ऑल राइट, सो जो कलर्ड वाला जेल वाला फोटो है वो कुछ ऐसा दिखता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि वो थोड़ा बहुत ऐसा यू नो पुराने स्टाइल में लोग पार्टी वार्टी में फोटो लेते थे, कुछ ऐसा दिख रहा है। मल्टीपल एक्सपोजर जो थे वो उसमें जो मैंने बाहर एक ट्री का फोटो लिया, अभी एक्चुअली बाहर डार्क हो गया तो मल्टीपल एक्सपोजर में दोनों में एक्सपोजर अगर इक्वल हो तो जरा थोड़ा बहुत बेटर आता है। मेरे पहले वाले फोटो में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था तो जो मैंने ट्री का फोटो बाहर जाके लिया वो थोड़ा कम दिख रहा है, पर यू नो यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद दिस कैमरा। बट आई थिंक ओवरऑल फॉर द प्राइस इट्स अ वेरी गुड कैमरा, और मतलब इफ़ यू आर कंसिडरिंग पोलोराइड कैमरा अंडर 10,000 रुपीज़ या फिर इवन अंडर 8,000 रुपीज़ तो काफ़ी अच्छा है। आई गेस इसका और एक बेटर वर्जन आता है, इट्स कॉल्ड द इंस्टैक्स हाइब्रिड और समथिंग, और वो मैंने देखा था कि अमेजोन पर अराउंड 10,000 का मिलता है, यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव था, ऑलमोस्ट $200 के ऊपर था, इसलिए वी डिडंट गो फॉर दैट बिकॉज ये हम लोग को 50 में मिला। बट देन इफ़ यू आर गेटिंग फॉर अराउंड 10,000 रुपीज़ इंडिया में वो जो हाइब्रिड वाला कैमरा है वो बेटर है, और अगर आप इंडिया में ले रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो amazon.in पे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा था कि amazon.in पे वो जो हाइब्रिड वाला कैमरा है वो अराउंड 10,000 का मिल रहा था। तो अगर आपका उतना बजट है तो यू कैन गो फॉर दैट बिकॉज उसमें जो फोटो है वो आप एज अ डिजिटल फॉर्मेट सेव कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिंटिंग आउट। तो मतलब अगर आपको अपने फ़ोन पे चाहिए वो फोटो ओरिजिनल तो आप वो फोटो सीधा फ़ोन पे ले सकते हो क्योंकि उसमें डिजिटल भी सेव होता है और फिर वो आपको पूछता भी है कि अगर आपको प्रिंट करना है या नहीं करना है। सो आई थिंक दैट इज अ बेटर ऑप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कैमरा टिल अराउंड 10,000, बट अगर आपका बजट सिर्फ 7,000 तक ही है तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड कैमरा आई वुड से। और सेल्फी मोड तो मतलब ठीक है, मतलब उसमें क्या टेस्ट करने का इसलिए मैंने वो नहीं किया। एनीवेज गाइस आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेस व्लॉग, थोड़ा सा कैमरा रिव्यू टाइप व्लॉग बनाना था मेरे को काफ़ी टाइम से, तो ये वाला उसके बारे में हो गया। आने वाले व्लॉग्स में मैं थोड़ा बहुत आपको स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताऊंगा और फिर थोड़ी बहुत और न्यूयॉर्क की जगह दिखाऊंगा, तो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी, और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे तो जरूर बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर आती रहे। एंड माइंड यू जब मैं यहाँ पर इनएक्टिव रहता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं इंस्टाग्राम में थोड़ी बहुत स्टोरीज वगैरह डालता रहूँ, आपको थोड़ा न्यूयॉर्क सिटी इंस्टाग्राम पे भी दिखाता रहूँ। सो मेक श्योर करना इंस्टाग्राम पे, सुनो मैडम। Anyways, so make sure you follow me on Instagram. Link जो है वो description पे रहेगी. And बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दो यार, मतलब अगर डिसलाइक करना तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, पर लाइक जरूर कर जाना, ऐसा अच्छा लगता है यू नो थोड़ा। Let's start your Monday on a positive note. Like the video. सही है, ये हुई ना बात। ऑल राइट, सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट। बेल बटन दबाना मत भूलना।